दोस्तों, मेरे पास कई सारे मैसेज आए हैं कि हमारा T800 अल्ट्रा वॉच जो है मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो रहा है। उसमें नो करस्पॉन्डिंग डिवाइस फाउंड आ रहा है, तो उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप वॉच को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो वॉच है, मैंने भी इसे कनेक्ट करने की कोशिश की थी, तो ये भी मुझे नो करस्पॉन्डिंग डिवाइस फाउंड किया और ना ही ये सर्च करने पर यहाँ पे शो कर रहा था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं डिवाइस को स्कैन कर रहा हूं तो यहाँ पे नो करस्पॉन्डिंग डिवाइस लिख के आ रहा है, मतलब ये अभी कनेक्ट नहीं हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि T800 अल्ट्रा वॉच को हम मोबाइल से किस तरह से कनेक्ट करें। सबसे पहले हमें इस ऐप को डाउनलोड करना होगा, प्ले स्टोर में जाके हाई वॉच प्रो आपको लिखना होगा गूगल प्ले स्टोर में और इसे सर्च करना होगा। ये सबसे पहला नंबर वाला है, इसे हम सर्च करते हैं और इसे हमें डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसे पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसमें ये सारी चीजें इसका ऐप का दिखा रहा है, डिटेल्स वगैरह। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने पर इस तरह का कुछ ऐप आता है, इसको हम नेट बंद कर देते हैं। हमें नेट की इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है कनेक्शन करने के लिए। तो ये हमारा ऐप कुछ इस तरह से दिखता है और ये हमारी वॉच है जो कि ऑन मैंने कर दिया है। ये वॉच 8 अल्ट्रा ही है, 800 अल्ट्रा। इसके बैक साइड में आप देख सकते हैं वॉच अल्ट्रा लिखा हुआ है। तो इसे हम ऑन कर देते हैं, ये ऑन है। और इसका हम ब्लूटूथ और ये वाईफाई वाला कनेक्शन इसका ऑन कर देते हैं, जिसे हम मोबाइल को कनेक्ट करेंगे। तो आइए हम मोबाइल पे सर्च करते हैं इसे और कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से कनेक्ट होता है। इसमें हमें सेट में जाना होगा, जिसमें डिवाइस सेट रहता है, और यहाँ पर बिल्ड डिवाइस टू एक्सपीरियंस मोर फीचर का ऑप्शन दिया है, इसे हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपको लोकेशन मांगेगा, लोकेशन हमें ऑन करना होगा। तो लोकेशन मैं ऑन कर देता हूँ, लोकेशन एक्सेस पे जाके मैंने लोकेशन को ऑन कर दिया है। अब आगे हम फिर से बिल्ड डिवाइस पे जाएंगे और यहाँ पे स्कैन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी डिवाइस शो नहीं कर रहा है। अगर ये शो करता तो ऑटोमेटिक इसमें आ जाता। यहाँ से अगर नहीं शो करता तो आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। यहाँ से हम डिवाइस को स्कैन कर लेते हैं और वॉच में आपको जाना होगा ऐप करके, स्टोर जैसा दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको बारकोड मिल जाएगा, इसे स्कैन करना होगा। स्कैन करने के बाद में ये भी नहीं डिवाइस कनेक्ट हो रहा है, इसमें वही दिक्कत आ रही है जो नो करस्पॉन्डिंग डिवाइस का है। तो जैसा कि मैंने स्कैन किया तो आप देख रहे हैं नो करस्पॉन्डिंग डिवाइस लिख के आ रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमें ब्लूटूथ में जाना होगा। हम अपना ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं और डिवाइस को सर्च करेंगे। यहाँ पे T800 अल्ट्रा लिख के आ रहा है, तो इसे पहले हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे। ये मेरा पर्स है तो मैं इसे अनपेयर कर देता हूँ। अब मैं इसको जो है पेयर कर ले रहा हूँ टी अल्ट्रा और 800 को। डिवाइस पेयरिंग में हो रहा है तो मैंने ये पेयर कर दिया है। ये पेयरिंग का ऑप्शन मांग रहा है, मैंने पेयर कर दिया है। अब ये पेयर हो चुका है, अभी कनेक्टिंग आ रहा है। अब ये पेयर पेयर हो चुका है। अब हम वॉच में जाते हैं और इसके बार कोड में जाएंगे फिर से हम, कि हमें फिर से स्कैन करना होगा। अब ये स्कैन करेंगे तो आप आसानी से वहां पे आपको शो कर जाएगा। पहले तो आपको ऐप ये पेज में ही दिखा देगा आपको जो है T800। अभी देखिए स्कैन करने पर आ गया है, पहले नहीं आ रहा था। अब ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पे शो कर रहा है। अगर जिसको नहीं करता है तो आप उसको स्कैन भी कर सकते हैं। आपको जो है ये फिर से बारकोड खोलना होगा और इसे स्कैन करना होगा। स्कैन करने के बाद में ये इसकी बिडिंग चालू हो जाएगी और ये कनेक्ट हो जाएगा सारे फीचर के साथ में। इसमें टाइम सेटिंग भी हो जाता है, यूजर प्रोफाइल और टारगेट सेटिंग, ब्लूटूथ बेस कनेक्शन, ये सारे ऑटोमेटिक आपके कनेक्ट हो जाते हैं। सारे कनेक्ट होने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, ये केवल अपने आप ही कनेक्ट हो जाता है। अब आप जैसा कि देख रहे हैं, अब सारी चीजें कनेक्ट हो गई हैं। मैं फाइंड कर रहा हूं तो ये वाइब्रेट हो रहा है और यहाँ पे स्टॉप का ऑप्शन भी आ रहा है, आप इसे बंद कर सकते हैं। यहाँ से जैसे आपकी वॉच कहीं रखी हुई है, आपको नहीं मिल रही है, तो आप उस पर फाइंड पे जाके आप अपनी वॉच को ढूंढ सकते हैं। तो और भी सारी कई सारे फीचर हैं इसमें, हम आपको उसमें दिखाते हैं। सबसे पहला ये आपको रिस्ट सेंस है, जैसे आप पहने रहते हैं तो वेकअप करने के लिए जैसे राइज करेंगे, मतलब हाथ को हिलाएंगे तो ये आपका
वॉच जो है ऑन हो जाएगा, उसके लिए ऑप्शन दिया गया है। और इसमें अगर ऑन करके आप देखेंगे तो और भी आपके ऑप्शन है, जैसे अलार्म का आप इसमें सेट करना चाहें कि आप कितने टाइम से कितने टाइम तक इसे वाइब्रेट कराना चाहते हैं, वो ऑप्शन भी है इसमें। और इसमें मैसेज, पुश मैसेज का भी ऑप्शन है, जो आपके सारे नोटिफिकेशन आते हैं मोबाइल के हो गए, मैसेज हो गए, व्हाट्सएप हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, वो सारे मैसेज आपको इस वॉच में दिख जाएंगे, आपको मोबाइल देखने की ज़रूरत नहीं होगी। अब जैसा कि देख रहे हैं ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, स्काइप है, वी चैट है, कई सारे ऑप्शन हैं। तो इसे भी हम बीट करना चाहें तो कॉल रिमाइंडर तो आपका ऑलरेडी ही ऑन रहता है, तो आप SMS रिमाइंडर, ये मैंने SMS रिमाइंडर ऑन किया तो ये सेट हो गया सक्सेसफुली। व्हाट्सएप को भी हम करेंगे तो व्हाट्सएप पे आपको अलाउ का ऑप्शन मांगेगा, तो आपको हाई वॉच प्रो में जाना होगा, यहाँ से आपको अलाउ करना होगा। यहाँ पे जाने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन एक्सेस पे आपको क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे कुछ वार्निंग दिखाएगा आपको कि आप जो है इसमें आप अलाउ करना चाहते हैं, तो ये आपकी सारी मैसेजेस को रीड करेगा, तो उसे आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद में ओके कर दें। अब आपके जो भी व्हाट्सएप के मैसेज होंगे आपको सीधे आपके वॉच पे मिलते रहेंगे। इसी तरह से आप इंस्टाग्राम को भी ओके कर सकते हैं, ये मैंने व्हाट्सएप का कर दिया तो ये अब सेट सक्सेसफुली हो गया है। अब इसी तरह से इंस्टाग्राम को भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अभी जैसा कि कोई मैसेज नहीं आया मेरे पास में तो अभी शो नहीं करेगा, अगर कोई लेटेस्ट में भी मैसेज आएगा तो यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप के ऑप्शन में मुझे दिखाई देगा। अगर कोई भी अब इसके बाद से मैसेज करता है कनेक्ट होने के बाद से, तो मुझे वो इस वॉच में दिखाई देगा। अभी मैंने इंस्टाग्राम भी सेट कर लिया है, तो ये देखिए ओके कर दिया तो ये भी सेट हो गया आराम से, तो मुझे अभी इसकी फिलहाल जरूरत नहीं तो मैं इसे बंद कर दे रहा हूँ। मैं केवल आपको इसको सेटिंग करने के लिए ही दिखा रहा था, तो मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। और भी सारी कई चीज़ें हैं इसमें, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें डायल सेटिंग भी है, आप इससे डायल मोबाइल के डायल करने की बजाय आप अपने वॉच से भी डायल कर सकते हैं। और ये रिमूव का भी ऑप्शन इसमें दिया जाता है कि आप चाहें तो वॉच को जो है अपने मोबाइल से रिमूव कर सकते हैं। ये वाइब्रेटर सेटिंग है, वाइब्रेट आप ऑन रखना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। ये कुछ और एक्स्ट्रा सेटिंग है, सेल्फ स्टार्ट की हैं, कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल शो कर रहा है कि आप किस मोबाइल से कनेक्ट हैं, क्योंकि मेरा शाओमी का मोबाइल है तो उसमें शाओमी लिख के आ रहा था। ऊपर जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, राइज टू वेकअप है, अलार्म है और सेकेंडरी रिमाइंडर है, ये तीनों आपके ऑप्शन जो है मिल जाते हैं। और ये आपके जो है ऑप्शन में ये भी मिल जाते हैं सारे फीचर, कि आप मोशंस के सारे फीचर हैं कि आप कितना चलते हैं दिन भर में, वो सब आपका ट्रैक करता रहता है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपने दिन भर में कितना वॉक किया है, कितना आपने कैलोरी यूज़ किया है। ये जो साइड में स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मेरे मोबाइल पे कॉल आ रही थी तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाता है कॉल की, तो चलिए हम इससे एक कॉल करके देखते हैं। सबसे पहले हम डायल में जाएंगे, डायल पे हमने कस्टमर केयर का नंबर डायल किया है, अभी यहाँ से हमने कॉल कर दिया, ये ऑटोमेटिक अपने आप मोबाइल से भी डायल हो जाता है। और यहाँ पे वॉल्यूम का भी ऑप्शन देते हैं, आप चाहें तो इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं वॉल्यूम, आपके वॉच में ही वॉल्यूम मिल जाता है। तो मैं फिर से डायल करता हूँ नंबर, क्योंकि वो कॉल अपने आप ड्रॉप हो गई, ये भी ड्रॉप हो जा रही है, लगता है कस्टमर केयर का नंबर दूसरा है, तो मैं 199 डायल करके देखता हूँ। ये जियो का कस्टमर केयर नंबर है 199, ये कॉल लग गई है। यहाँ पे वॉल्यूम का भी ऑप्शन रहता है, आप वॉच से वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं आपको वॉल्यूम सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। यहाँ से कम हो रहा है वॉल्यूम, तो मोबाइल से भी कम हो रहा है, और यहाँ से अगर हम बढ़ाएंगे तो मोबाइल का भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इस तरह से ये सारी सेटिंग होती हैं। अगर सेटिंग में कहीं कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसके रिगार्डिंग आपको हेल्प करेंगे। बाकी इसमें आप डायल देख सकते हैं कौन कौन से डायल हैं इसमें। आपको इन सभी डायल मिलते हैं इसमें, और इस डायल में आपको कलर भी चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो कलर चेंज होते हैं किसी किसी डायल में, सब में नहीं होते हैं, इसमें भी चेंज हो जाता है, इसमें नहीं होता है आपका, इसमें भी नहीं होता है,
ये आपका मेन्यू इस तरह से दिख रहा है कुछ। बाकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ये कैलकुलेटर है, इसमें आपको कैलकुलेटर भी मिल जाता है। अगर आप इसे खरीदना भी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको अच्छे दाम में प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी के सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह का सपोर्ट करते रहें ताकि हम आगे भी वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।